अभी तक आपकी, मेरे को पता है कि जो चेहरे पे एक्सप्रेशन चल रहा है ना, वो ख़त्म नहीं हुआ होगा, मुझे पता है, मुझे पता है भाई, वो चीज़ तो मुझे पता है कि पिछली वीडियो में मैंने कितना आपको कुछ बताया था, सबको पता है, कोई नहीं बोलता। बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी का सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। इसको यार लगाना चाहिए ना मेरे को, इधर गया बटन। नहीं ठीक नहीं लगेगा, गला बच जाएगा, बोलने में दिक्कत आएगी। बॉटनी का कौन सा पेपर है? सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर के बता दिए थे पिछली वीडियो में। सभी के लिए है, राजस्थान, यूपी, एमपी, बिहार या फिर राजस्थान जितने भी यूनिवर्सिटी, सबको पता है यार, हर वीडियो में क्या बोलूँ यही चीज़ें। थोड़ा पढ़ लो ना, साल ख़राब होगी ना तो इंस्टाग्राम ही चलाना फिर, यकीन तो करना पड़ेगा भाई। देखो मृदा परिस्थिति का क्या है, रोन कीयर पादपों का वर्गीकरण। अगला है जल प्रक्रम में पाई जाने वाली विभिन्न अवस्था, थोड़ा जल्दबाजी में लिख रहा हूँ लेकिन सुनाई तो दे रहा है यार, प्रावस्था या फिर अवस्था कैसे भी नोट कर लेना, लेकिन ये कि नोट कर लेना, बीएससी में रिजल्ट ख़राब नहीं होना चाहिए, बीएससी में रिजल्ट ख़राब नहीं होना चाहिए, वरना मैं सबकी याद रखना। समझो किसी चीज़ को, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, रिजल्ट बीएससी फाइनल ईयर में जिसका ख़राब होगा, एक चीज़ सोचना आप, सॉरी पता नहीं क्या हो गया, एक मिनट, है ना, बीएससी फाइनल ईयर वाले, यार पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ चला गया था ना, चुभ रहा कांटे की तरह। बीएससी फाइनल ईयर वाले एक चीज को नहीं समझते कि इस साल अगर हमारा साल खराब होगा तो हमें कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अगले साल कोई एमएससी करने की सोच रहा है, एक साल खत्म, तो उस चीज को सोचो यार कि इस साल थोड़ी मेहनत कर लेंगे तो हमें क्या जा रहा है, दो तीन महीने मेहनत कर लो। अब वीडियो को एंड टाइम पे देखते हो, 10 दिन बच रहा है, 15 दिन बच रहा है, 20 दिन बच रहा है, पढ़ लो, इसलिए बोल रहा हूँ। एक महीने का टाइम दिया था मैंने, एक महीने पहले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए थे बीएससी वालों के लिए, तो यार पढ़ लो, उस चीज़ को समझ लो। बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी सेकंड पेपर, 3 क्वेश्चन बता दिए, 4th क्वेश्चन नोट कर लो। इन क्वेश्चनों के अलावा यार और मैंने, भाई देखो हर वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, इंपॉर्टेंट ही रहते हैं, कचरा नहीं डालता, कचरा इकट्ठा करके डालने का मतलब क्या है बताओ, कचरा इकट्ठा करके डालने का मतलब क्या है? यूट्यूब पे वीडियो तो बहुत सारी बनी पड़ी है, इतने सारे यूट्यूब पे इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले पड़े हैं, सबको पढ़ लो, हवा निकल जाएगी। भाई कोई ऐसा ही बंदा होगा जो सही डालेगा, और मेरे को 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है, जो पुराने स्टूडेंट सब जानते हैं कि जो विक्रम बताता है वही एग्जाम में आता है, इसलिए तो मॉडल पेपर लेते हैं एग्जाम टाइम पे। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, तो मॉडल पेपर लेते हो ना, तो इसलिए अब नंबर दे देता हूँ, जिसको कोई प्रॉब्लम हो मॉडल पेपर लेना हो, 8824595131, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर देना, या फिर वी के ऑनलाइन क्लासेज नाम से इंस्टाग्राम पे पेज है, और मधुकर03 MADHUKAR03 नाम से मेरे इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल है, फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम पे भी जो टाइम पास करते रहते हो भाई, इस टाइम पे वो थोड़े चल रहे हैं ना, उस चीज़ से दूर रहो। इंस्टाग्राम पे डांस वगैरह बाद में देख लेना, लड़के हो चाहे लड़कियाँ हो, लड़के ज़्यादातर टाइम वेस्ट करते ही रहते हैं भाई, थोड़ा समझ जाओ इस चीज़ को, वरना साल ख़राब हो ना पछताओगे ज़िंदगी भर, और कुछ नहीं। मेरा एक दोस्त है, जब जिस टाइम पे हमने बीएससी किया था ना, उस टाइम पे वो फेल हो गया था, एक साल एक के चक्कर में 2 साल ख़राब हुई थी, और आज हमारा एमएससी चल रहा है और उसका कुछ नहीं चल रहा,
ये होती है टाइम ख़राब करने की कीमत। तो समझो इस चीज़ को जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आप टाइम ख़राब करोगे तो आपको कितना बड़ा उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। बाकी आप लोगों के सामने वो कहते हैं ना भैंस के आगे बीन बजाना, तो आप लोग भैंस हो और मैं यहाँ पे आपके सामने बीन बजा रहा हूँ बस, क्योंकि समझ में तो आता नहीं है। समझ आता तो समझते बात हो, हर वीडियो में बोलता हूँ। अगला क्वेश्चन है, गेहूँ व मक्का दोनों याद करने हैं, एक पक्का आ जाएगा। गेहूँ व मक्का का खेती लक्षण और इसकी जो किस्में होती है, किस्मों का कंप्लीट वर्णन करना है। गेहूं आ गया हो तो मक्का याद करना है। एक चीज़ का ध्यान रखना, हर यूनिवर्सिटी में डिफरेंट होके आता है। अगर किसी यूनिवर्सिटी में मक्का आया है तो गेहूं याद करना, किसी में मक्का आया तो गेहूं याद करना है, गेहूं आया तो मक्का याद करना है, गेहूं आया तो मक्का याद करना है। हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग सिक्वेंस होता है, थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है ना, उसके लिए सॉरी। तो अगली यूनिट से क्वेश्चन है, इसमें सरसों और याद करना है, सरसों पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है, है ना। तो एक मिनट रुको, थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है ना उसके लिए। यार देखो होता ही है, गेट लगा दे, होता ही प्रॉब्लम, क्योंकि रूम पे रहता हूँ, आप लोगों के लिए इतना करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, तो साथ में जो रूममेट रहते हैं किसी का कॉल आ जाता है, घर से कॉल आ जाता है, तो अटेंड तो करना पड़ता है मेरी जान, तो क्यों कॉल मैं भी अटेंड करता हूँ। सब अपने अब सबको अपनी अपनी जान प्यारी होती है, मतलब जान मतलब मम्मी की बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा मैं कुछ भी, तो मम्मी मेरी जान। देखो मेरा फ़ोन आता है ना, मैं खुद बात करता हूँ भाई, कभी भी आ जाए अब इस टाइम पे फोन, जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ ना, कभी कभी ऐसा होता है मम्मी का फ़ोन आ रहा होता है, तो पहले तो ना वीडियो बाद में एडिट करता हूँ, सबसे पहले बात करता हूँ कि बात क्या है क्या नहीं है, क्योंकि इतनी दूर रहते हैं फिर बात करने का सबका मन करता है। अगली यूनिट से लास्ट यूनिट है, उसका क्वेश्चन है फाइबर, कंप्लीट फाइबर के बारे में, रेशेदार पादप के बारे में लिखना है, रेशेदार पादप के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, उसमें खेती परिचय ये सब कुछ आपको लिखना है। और चाय और कॉफ़ी दोनों में से एक पक्का आ जाएगा, चाय और कॉफ़ी दोनों में से एक पे संक्षिप्त टिप्पणी पूछ लेगा। देखो हेल्प कितनी करता हूँ मैं आप लोगों के लिए, वीडियो बनाता हूँ, टाइम नहीं देखता, रात के 12 बजे भी, 1 बजे भी, सुबह भी, शाम को, दोपहर में, या दिन में कभी भी वीडियो बना लेता हूँ, है ना। तो आप लोग नहीं समझते उस चीज़ को, मेरी फीलिंग ही नहीं समझते कि मैं आप लोगों के लिए इतना करता क्यों हूँ। कसम से बोल रहा हूँ यार, कसम से बोल रहा हूँ, यूट्यूब से इतना पैसा नहीं आता जितना आप लोग सोचते हो, बस आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए कि किसी का साल ख़राब ना हो बीएससी में, क्योंकि हम यार बीएससी करे हुए हैं, हमें पता है कि बीएससी में किस तरीके का पेपर आने वाला है, स्टूडेंट को क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना नहीं चाहिए। एग्ज़ाम टाइम पे मेरे पास इतने कॉल मैसेज आते हैं भाई, यकीन नहीं होगा आपको, 250-300 मैसेज पेंडिंग में पड़े रहते हैं व्हाट्सएप मैसेज पे। मेरा फ़ोन में व्हाट्सएप है ना तो फ़ोन नहीं खुलता, एक साथ अगर ऑन कर दिया, सॉरी ऑफ कर दिया हो तो ऑन करता हूँ ना, 10-15-20 मिनट तक तो कुछ चलता ही नहीं है उसमें, इतना हैंग हो जाता है। और फ़ोन भी छोटा मोटा नहीं है, फिर भी आप समझो छोटा मोटा मतलब आईफोन नहीं है, मतलब आराम से 30-35 हज़ार का फ़ोन है, लेकिन फिर भी वो प्रॉब्लम बहुत करता है। कैसा ही हो, मतलब इतना सारा व्हाट्सअप में स्टोरेज होता है, अगर लैपटॉप में खोल दिया तो लैपटॉप 2 दिन तक नहीं खुलेगा, इसलिए ना प्रॉब्लम बहुत सारी होती है। और इस वीडियो को बनाने में कितना खर्चा आता है, वो चीज़ आप लोग नहीं सोचते, आप लोग पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है। तो जिसको भी मॉडल पेपर वगैरह चाहिए, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, ले लेना। जिसको फ्री में फंडा चाहिए भाई, फ्री में पूरी हेल्प कर दी, क्वेश्चन बता दिए, और भी इसके अलावा क्वेश्चन थे यहाँ पे, कितने से क्वेश्चन बताए हैं यार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन बताए। एग्जाम में 10 क्वेश्चन आते हैं भाई, इसमें से पक्का 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आएंगे इसमें से। यार देखो सब अंतर्यामी कोई नहीं होता, टीचर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, मेरे को 3 से 4 साल का जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पर मैं पेपर बना देता हूँ, पेपर बना देता हूँ। मेरे को पता है मेरे पेपर से बाहर कुछ नहीं जाएगा, लेकिन जाता भी नहीं है। तो आप लोग जो भी मेरे को पुराने स्टूडेंट जानते हैं अच्छे से कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, कितना क्या करता हूँ, तो कौन कौन अपने जयपुर दौसा से है कॉमेंट में बताते रहना। तो इस नंबर पर 88-24-59-51-31 डिस्क्रिप्शन पर भी मिलेगा, और व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हेल्प आप लोगों की
हो जाए तो अच्छी बात है, कुछ मेरी तरफ से हेल्प ही करता हूँ। बाकी मैं बाकी आप लोग जो ज्ञान देते हो देते रहो, इंस्टाग्राम वगैरह आप थोड़ा ध्यान कम दो, और मेरी जो प्रोफाइल मैंने आपको बताई वीके ऑनलाइन क्लासेस नाम से है, मधुकर 03 नाम से है, फॉलो कर लेना। आप और लोगों को भी तो करते हो, मैं आप लोगों के लिए इतना करता हूँ, कर लेना अच्छा लगे तो। फोर्स नहीं कर रहा यार, है ना, वरना आप इंस्टाग्राम पर देखो खूब असली कंटेंट देखो, रील चलाओ, टाइम वेस्ट करो, थोड़ा पढ़ लेना, थर्ड ईयर में हो, याद रखना। याद करोगे कि मैंने भी एक दो लाइन बोली थी आपको, पढ़ लेना, वरना साल इतना ख़राब होगा ना, पता चल जाएगा, रिजल्ट आएगा तब। मेरे पास कॉल आते हैं भाई बहुत, इसलिए पता है। अब मैं बोलता बोलता थक गया, एक साथ दो दो तीन तीन वीडियो बनाता हूँ, गला सूख गया, पानी की नीड है, तो अब वीडियो एंड करते हैं। कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे को ज़रूर बताना, ठीक है भैया ना, जो बताया टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना।